करीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम। स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिटन बाय मारा फ्रेंड सुहेल अफजल, उसका हमने एक पूरी एक सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है फाइनल अकाउंट के चैप्टर की। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 20 है। बुक सामने रख लें, चैप्टर नंबर 11 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो आप इसको अच्छे से सीख सकेंगे। हमने जनाब क्वेश्चन की समरी कुछ यूं है कि ड्राइंग जो है वो कैपिटल में से माइनस होती है, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर जो भी चीज नहीं आएगी वो मैं आपसे शेयर करूंगा, अदरवाइज मैं अपनी सहूलत के लिए जरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर कैपिटल संडी क्रेडिटर लोन फ्रॉम, हमने कर्जा लिया हुआ है, जब हमने कर्जा लिया हुआ लाइबिलिटी है उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट दिया। उसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड डेट कैश इन हैंड, ये ओल्ड प्रोविजन थी ऊपर, कैश एट बैंक संडी डेटर, आज एक नई चीज है जी संडी डेटर के अंदर, नई चीज ये है कि उसने संडी डेटर के साथ ब्रैकेट के अंदर जो है वो बिल रिसीवेबल लिखा हुआ है। ये जो बिल रिसीवेबल उसने लिखा है साथ में उसने लिखा है ये डिसअनर हुआ है। तो जनाब वो जो बिल डिसअनर हुआ है ना, वो बिल उसको हमने आज यूज करना है किसी खास तरीके से जो उसने एडजस्टमेंट के अंदर बोला हुआ है, तो उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे ड्यूरिंग क्वेश्चन। तो जनाब वो कहते हैं बिल रिसीवेबल हमारा इसके अलावा भी है, वो एसेट है ओपनिंग स्टॉक परचेज मैन्युफैक्चरिंग वेजेस सेल रिटर्न रिटर्न इनवर्ड है जिसका नाम सेल रिटर्न है, सैलरीज सेल रेंट रेट टैक्सेस इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ट्रैवलिंग एक्सपेंस रिपेयर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के साथ उसने बोला है 6% इंश्योरेंस एक साल का होता है, जबकि आपने 6 माह का इंश्योरेंस ज्यादा दे दिया हुआ है क्योंकि मार्च में हमारा साल खत्म हो रहा है, हमने उसको सितंबर तक दे दिया है 6 माह का ज्यादा, तो जो 6 माह का हमने ज्यादा दिया है वो हमने जनाब माइनस करना होगा अपना प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से, साथ में वो ऐसा भी होगा। बैड डेट है, कमीशन रिसीव है, एडजस्टमेंट में है क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है हमारे पास, इसके अलावा जनाब कॉमन कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, और इसके अलावा जनाब हमारे पास एक्स का जो बिल है वो कह रहे हैं वो हाफ बिल है, वो जनाब आपने डिसऑनर करना है जो मैंने आपको बोला ना बिल रिसीव, उसे सर्टी डाटर के साथ ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बिल डिसऑनर 2000, वो कह रहे हैं इस 2000 का आप क्या करें, 2000 का जो हाफ है वो बैड डेट के तौर पे लिख लें और जनाब बाकी जो है वो आप नहीं उसको छेड़ेंगे, तो हमारा न्यू बैड डेट जो है वो उस 2000 का हाफ होगा, तो 1000 हमारा न्यू बैड डेट होगा। और जब हमने प्रोविजन लेनी है तो आपको पता है संडी डेटर में से पहले माइनस किया जाता है और न्यू बैड डेट को, तो न्यू बैड डेट जो है वो तो वैसे हमारे पास 1000 है, लेकिन उसने सवाल के अंदर ये बोला है कि आपने 1000 माइनस नहीं करना बल्कि आपने वो पूरे का पूरा जो बिल है वो माइनस करना है और वो 2000 रुपए का है, तो जरा इस पे मजीद बात ड्यूरिंग क्वेश्चन होगी, आप साथ रहिएगा, प्रीवियस तमाम क्वेश्चन जो है वो जरूर देखें, जब तक आपके प्रीवियस तमाम क्वेश्चन ओके नहीं होंगे फाइनल अकाउंट ओके नहीं होगा। तो बहरहाल मूव करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। जी बेटा लिखवाना स्टार्ट करें, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 179,360 परचेजेस 5,13,000 रिटर्न तो नहीं है 13,180 वेजेस 7,73,000 क्लोजिंग स्टॉक 2,57,920 2,57,920 यस, नाउ हमने तमाम
रेवेन्यूज जो है वो लिख लिए, डायरेक्ट एक्सपेंसिज अपने टोटल करके आप दूसरी तरफ भी लिख रहे हैं। जी बेटा 9,65,220 इसमें से माइनस कर दिया तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, तो हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 1,90,740 ये हमारे पास जनाब ग्रॉस प्रॉफिट है। अब आ रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, उसके लिए मेन डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट रेवेन्यूज चाहिए होंगे। जी बेटा सैलरी हमारे पास जनाब है, अभी सैलरी है 22,000 रेंट रेट एंड टैक्सेस 11,240 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3,760 स्पेलिंग आप लोगों ने रिपेयर एंड रिन्यूअल 6,740 और इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 11,740 इंटरेस्ट ऑन लोन हमने जो है वो लोन लिया हुआ था, वो लोन के ऊपर हमारा इंटरेस्ट है। हमने जितना भी लोन लिया था स्टूडेंट्स को कितना था 40,000 उसके ऊपर हमने कितने परसेंट सूद देना है 6% हमने सूद देना है, लेकिन हमने वो सूद सिर्फ 2 माह का देना है। तो जनाब हमने वो 2 माह का देना है, वो यहाँ से लिखेंगे (2/12) 400 हमारा जो है वो लोन के ऊपर इंटरेस्ट आया, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी है, साथ में ये लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में भी लिखा जाएगा। जी इंश्योरेंस के साथ भी उसने बोला हुआ है कि कुछ इंश्योरेंस जो है वो आपने एडवांस दे दी है जो कि 6 माह की है। टोटल इंश्योरेंस कितनी है 800 आप ब्रैकेट में उसने बोला हुआ है कि साल की जो है ना वो 600 है और आपने 6 माह की ज्यादा दे दिया, तो वो स्टूडेंट्स अब यहां से माइनस करेंगे। लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस जी 600 टोटल है साल की और 6 माह की ज्यादा है, तो जवाब आ जाना है जनाब 300 रुपया। और जी डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी प्लांट कितने का है 57,600 के ऊपर कितने परसेंट 5% आंसर 2,880 जी बेटा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्स्चर फर्नीचर कितने का 17,940 कितने परसेंट 10% आंसर 1794 और जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए हमें प्रॉपर फार्मूला लिखना होता है और यही हमारी आज की जो चीज है न्यू है। तो देखते हैं जी फार्मूला हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं लेकिन कैलकुलेशन आज इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो जनाब हमारे पास है ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। जी बेटा न्यू बैड डेट और न्यू प्रोविजन एडजस्टमेंट से मिलनी है, ओल्ड बैड डेट और ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस है 7,240 ओल्ड प्रोविजन 5,000 और न्यू बैड डेट के वाले से उसने बताया है कि संडी डेटर की अमाउंट के साथ 2,000 रुपया बिल का लिखा हुआ है, कहते हैं उस बिल में से 1,000 रुपया आपका न्यू बैड डेट है, तो हमने 1,000 न्यू बैड डेट लिख लिया। और जब बारी आई न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करने की तो कहता है संडी डेटर की अमाउंट में से सिर्फ न्यू बैड डेट माइनस ना करना बल्कि वो सारे के सारे जो बिल डिसअमल हुए हैं उनकी अमाउंट को माइनस कर लेना। हमारे कितने हैं संडी डेटर 1,24,000 और न्यू हमें जो माइनस करना था वैसे तो 1,000 माइनस करना था लेकिन आज 1,000 माइनस नहीं करना, आज हमने अपना सारे का सारा बिल डिस्टर्ब में माइनस करना है जो कि 2,000 रुपए है और ये बात उसने बताई थी मैं उसके अंदर एडजस्टमेंट में। तो जनाब ये जो अमाउंट आई इसके ऊपर कितने परसेंट 5% आंसर
6100। अब जनाब आप करें टोटल जो आप 9340 इस 9340 को यहां लिखा जाएगा 9340। ये है हमारे पास जनाब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। स्पेलिंग हम लिखिएगा अगेन जी बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये भी हमारा एक्सपेंस है बिजनेस के लिए क्योंकि बिजनेस ने अदा करना है। मारक और सूरजी कैपिटल कितना है 2,38,800। कितने परसेंट 5% आंसर क्या आ गया 11,940। और जी अब आगे हम यहाँ पर इंडायरेक्ट रेवेन्यू में सबसे पहला इंडायरेक्ट रेवेन्यू कमीशन रिसीव। इसकी एडजस्टमेंट है कमीशन कितनी है 11,280। उसने एडजस्टमेंट में बताया है कुछ कमीशन हुआ है जो अभी तक हमने रिसीव नहीं की। कमा ली है अर्न कर ली है लेकिन रिसीव नहीं की। कमीशन रिसीवेबल के नाम से यहां लिखा जाएगा कमीशन रिसीवेबल। वो कमीशन जो हमने अभी रिसीव करनी है ये हमारे लिए रेवेन्यू भी है और हमारा एसेट भी है जी। 1200 आंसर 12,480। और जी बस जनाब अब हम करेंगे टोटल हैवियर साइड को दोनों साइड पर लिखेंगे छोटे वाली साइड उसमें से माइनस करेंगे जो आप 2,03,220 इसमें से तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दें जो हमारे पास जवाब है वो क्या है 1,20,886। इसको हम बोलेंगे ये है हमारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट कंप्लीट स्पेलिंग के साथ। अब बैलेंस शीट की तरफ आए बैलेंस शीट में हमारे पास एक करंट एसेट है और एक करंट लायबिलिटी फिक्स एसेट और फिक्स लायबिलिटी। तो करंट एसेट सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आप लोगों ने क्वेश्चन करना होता है जी। कैश इन हैंड 6060। कैश एट बैंक 1,24,000। इसमें से माइनस हमें सिर्फ न्यू चीजें करनी है और न्यू चीजें हमारे पास दो है एक न्यू बैटर और एक न्यू प्रोविजन। लेस न्यू बैटर स्पेलिंग कंप्लीट लेस न्यू प्रोविजन जी। वो है जी न्यू बैटर है 1000 और न्यू प्रोविजन है 6100। तो माइनस करके आंसर 1,16,900। 1,16,900 जी जनाब। और बिल रिसीवेबल 19,000। क्लोजिंग स्टॉक 2,57,920। और प्रीपेड इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस जो अभी तक हमने फायदा नहीं लिया उसका आधा एडवांस में कर दिया हुआ है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा यहाँ से लिखा जाएगा एसेट के तौर पे 300 जी। और कमीशन वो जो भी हमें रिसीव करनी है कमीशन रिसीवेबल वो कमीशन जो हमें रिसीव करनी है कितनी जी 1200। और भाई हमने अब फिक्स एसेट की तरफ आना है। फिक्स एसेट में हमारे पास फिक्स एसेट्स जी फिक्स एसेट में हमारे पास क्या क्या है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने की 87,600 लेस डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट पीछे की 2,880 माइनस का क्या आंसर 54,720। और उसके बाद हमारे पास फर्नीचर है वो कितने का 17,940 माइनस किया डेप्रिसिएशन को 1794 16,146। ये जनाब हमारे पास फिक्स एसेट्स थे। अब आ रही आगे करंट लायबिलिटीज की। तो करंट लायबिलिटी में हमारे पास उसने क्या क्या दिया हुआ है जी करंट लायबिलिटीज में उसमें जनाब हमें दिए हुए हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है जी क्रेडिटर 1,19,260। क्रेडिटर है 1,19,260
लोन कितना जी 40,000 और लोन के ऊपर इंटरेस्ट था जो हमने भी पे करना था, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो वो जो इंटरेस्ट हमें अभी अदा करना है वो भी हमारे लिए एक्सपेंस है, वो है 400। और जी लायबिलिटी है सॉरी साथ में, और जी फिक्स लायबिलिटीज, फिक्स लायबिलिटी में हमारे पास क्या क्या है जी? फिक्स लायबिलिटीज जी मैं बेटा, हमारे पास फिक्स लायबिलिटी में है जी कैपिटल 2,38,800। इसमें से माइनस करना है ड्राइंग को, ड्राइंग कितनी है जी 21,100। इसमें ऐड करना है नेट प्रॉफिट को जो हमने कैलकुलेट किया है 1,20,886, 1,20,886 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ऐड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मालिक को सूद के ऊपर कैपिटल के ऊपर सूद मिल रहा है कितना 11,940। बस ही इन सब को ऐड किया माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 3,50,526। यहाँ पर ये 3,50,526। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। आज के सवाल के अंदर जो खास बात थी वो थी कि न्यू प्रोविजन के अंदर जो है वो थोड़ा सा उलझाने की कोशिश की। आप तमाम प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए वीडियो में दिए गए लिंक को भी आप देख सकते हैं जो आपके ऊपर इस वक्त शो हो रहा होगा, और एट द एंड जो है वो आप एंड स्क्रीन के ऊपर भी आपको कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने जो है वो प्रीवियस तमाम लेक्चर्स का जो है वो लिंक ऐड किया है। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके या मुझसे डायरेक्ट जो है वो मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करके पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग। आप बाबर करियो।